नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑफ एमएससी एनएनबी एंड एमएससी एफटी फर्स्ट सेम। आई साक्षी मांडे, द फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट योर योर एथ सेशन, दैट इज योर ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ओके, सो इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलिस, एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट ग्लाइकोजन लाइसिस, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस सेशन, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स। जब हम लाइसिस की बात करते हैं तो इट मींस वहाँ हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने ग्लाइकोलिस पढ़ा, उसमें भी आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था। हमने ग्लाइकोजेनोलाइसिस पढ़ा, वहाँ पर आपका ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा था। बट अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपका क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब यहाँ पे लाइसिस नहीं है, यहाँ जेनेसिस है। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जब आपका कोई चीज़ जनरेट हो रही है या फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ ब्रेकडाउन नहीं होगा, यहाँ फॉर्मेशन होगी। तो अगर हम बात करें कि क्या है ये टर्म ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, तो ये आपकी क्या होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। ओके, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, फिर ग्लाइकोजन से दोबारा ग्लूकोज बन रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस में, जेनेसिस में सॉरी, इसमें आपका ग्लूकोज ही बन रहा है, बट दिस इज फॉर्म बाय द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस कौन से होते हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि आपका प्रोटीन है, ठीक है, आपके एसिड्स हैं, आपका फैट है, तो ग्लिस्ट्रॉल है, इन सब से आपका ग्लाइकोजन सॉरी ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इन दिस सेशन। एंड नाउ द लोकेशन ऑफ दिस साइकिल, कहाँ ये साइकिल परफॉर्म होती है। साइकिल हमारी सेल के साइटोसोल्स में होती है। साइटोसोल्स क्या होते हैं आपके, मतलब माइक्रोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होती है अगर देखा जाए तो। और लिवर जो है मेन, आपका लिवर में इसका मेन फॉर्मेशन होता है, लिवर के जो सेल्स हैं वहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। एंड किडनी में होता है, किडनी में कब होता है ये वाला फॉर्मेशन, ड्यूरिंग स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब कि जब आप खाना नहीं खा रहे हैं या आप जब भूखे हैं, हंग्री कंडीशन में आपकी किडनी में इसका फॉर्मेशन होता है। बट अगर आपने मील लिया है, टाइम टाइम खाना खा रहे हैं, आप लोग बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो वहां उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, लिवर में होता है। सो दिस इज ऑल विद द साइकिल। इसमें सब्सट्रेट जो यूज होते हैं हमारे, इसमें लैक्टेट, ग्लिस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन सॉरी ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स, प्रोपियोनिक एसिड और इंटरमीडिएट ऑफ टीसीएज, ये सब आपके सब्सट्रेक्ट इसमें यूज होते हैं, और आपका फिर इस पर पूरी साइकिल परफॉर्म होती है। एंड दिस साइकिल जो रेगुलेट होती है, अब इस पर जो रेगुलेशन होता है वो भी एंजाइम्स के थ्रू होता है। सब्सट्रेक्ट लेवल का रेगुलेशन होता है और एंजाइम्स इसके रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। मेन जो आपका ग्लाइकोजेनेसिस होता है, इट्स स्टिमुलेटेड बाय द, मतलब लिवर में ये स्टिमुलेट होती है। लैक्टेट जो होता है आपका, एक लैक्टेट आपका केमिकल कंपाउंड होता है जो आपकी मसल्स में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यू मे हैव नोटिस, लाइक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत टाइम बाद, कभी कुछ आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पे आपके मसल्स में स्ट्रेस पड़ता है, एंड ड्यू टू दैट स्ट्रेस आपके मसल्स में क्या होता है, पेन होता है, क्रैम्स आते हैं। तो दैट क्रैम्स इज ऑल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट, जो आपकी मसल्स में बनता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। फिर ग्लिस्ट्रॉल है आपका, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, जो आपको, मतलब जो आपका ये प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस कब स्टिमुलेट होता है, जब आप फास्टिंग कंडीशन में हैं। जब फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, हम मील नहीं लेते हैं, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में। बट अगर बॉडी में ग्लाइकोजन भी नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये प्रोसेस होगा, और ये प्रोसेस में ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन होगा, बट फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, ठीक है। या आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो भी ये प्रोसेस होता है, और आपकी हाई प्रोटीन डाइट है, क्योंकि प्रोटीन भी आपका क्या है, प्रोटीन का भी स्पेयरिंग एक्शन क्या होता है आपका, ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज प्रोडक्शन का। तो अगर हाई प्रोटीन डाइट है तो भी ये फंक्शन परफॉर्म होता है, ये जो साइकिल है आपकी। तो थैंक यू ऑल, एंड दिस इज ऑल विद दिस सेशन ऑफ दिस, and we will talk about in next cycle in next class. Thank you.